जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। महामंगलकारी होली पर्व का आज समापन शिखर दिवस है। हमारी नौपत की साधना आराधना का आज अंतिम चरण है। नौकार तूचे तारणहार, नौकार तूचे तारणहार, पंचम आरामा तारो आधार, जेने हइये छे नौकार, एने पुण्योदय बने स्वप्न साकार, पुण्योदय स्वप्न बने साकार। नौकार मंत्र की जिसके हृदय में स्थापना हो चुकी है, उसकी सारी मनोकामनाएं फलित हो जाती हैं। नौकार मंत्र की हृदय में स्थापना करना यानी क्या? जिसके हृदय में नौकार मंत्र स्थापित हो जाता है, एक एक रोम रोम में नौकार मंत्र की स्थापना हो जाती है, हर श्वास के साथ उसके मुख से नौकार मंत्र का ही उच्चारण होता है। जैसे देखिए श्रीपाल कथानक में आपने सुना कि समुद्र में फेंके गए तो भी मुंह से क्या शब्द निकला? नमो अरियंताणम शब्द निकला। वरना हमारे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं? चलते चलते गिर गए, कहीं ठोकर लग गई गिर गए, अथवा तो सामने सांप देख लिया, हाँ चूहा आ गया, सांप आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, तो क्या शब्द निकलते हमारे मुंह से? अरे बाप रे, आई गो, है ना, ये शब्द निकलते हैं। परंतु वो श्रीपाल थे कि जिनके हृदय में नौपद की स्थापना हो चुकी थी, तभी समुद्र में फेंके गए ऐसे समय में भी उनके मुंह से क्या निकला? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम। इसीलिए हम बार बार रोज आपको सोगन देते हैं, भोजन से पहले पांच नौकार मंत्र क्यों गिनना है? भोजन से पहले पांच नौकार मंत्र क्यों गिनना है? भोजन अच्छा मिले इसलिए। परंतु इसके पीछे बहुत सुंदर उद्देश्य है कि उस भोजन के स्वाद में मैं डूब ना जाऊं, इसलिए पंच परमेष्टि का स्मरण करके आप भोजन कीजिए। इतना ही नहीं, आप दुकान खोलते हो या ऑफिस पर जाते हो तो भी, आपका कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस शुरू करने से पहले, वो दुकान खोलने से पहले आप नौकार मंत्र का स्मरण कीजिए। क्यों करना है? दुकान में फायदा अच्छा मिले इसलिए नहीं, परंतु मेरे हाथ से कहीं ऐसे अन्याय अनीति के कार्य ना हो जिससे मेरा श्रावकत्व लज्जित हो, ऐसे कार्य मेरे हाथों से ना हो, इसलिए दुकान या ऑफिस से पहले नौकार मंत्र बोलना। आपका ध्यान उधर रहेगा ना तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगी। वो कुछ नहीं, गिफ्ट का सामान ला रहे सब, आज सारा गिफ्ट डे है, आप इधर सुनिए, क्योंकि नौपद की महिमा ये ध्यान से सुनेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में भी वो स्थापना हो जाएगी। सोने से पहले नौकार मंत्र गिनना है। क्यों गिनना है? नींद अच्छी आए इसलिए। परंतु नींद में भी पाप कर्म का बंध ना हो, इसलिए नौकार मंत्र गिनना है। तो ऐसे जिसके हृदय में नौपद की स्थापना हो गई, श्रीपाल कथानक हम श्रवण कर रहे हैं, उनकी यह दिग्विजय यात्रा उज्जैनी पहुंची है, माता और मैना सुंदरी से मिले हैं, और अब मैना सुंदरी के पिता राजा प्रजापाल से मिलना है, अभी तक नगरी में प्रवेश नहीं किया है। उसके पहले पिता से मिलना है तो श्रीपाल मैना से कहते हैं, मैना तुम जैसे कहोगी उस ढंग से तुम्हारे पिता से मैं मिलना चाहता हूँ, तुम क्या किस पद्धति से मिलवाना चाहती हो बताओ। तब मैना ने कहा, नाथ मैं आज अपने पिता को बताना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा कर्म है, संसार में कर्म सबसे बड़ा है, बलवान यदि कोई है तो कर्म है। और उसने युक्ति समझा दी है श्रीपाल को कि किस प्रकार आप मेरे पिता से मिलिए। दूत भेजा गया है, श्रीपाल ने दूत को भेजा राजसभा में जाकर के, उसने राजा प्रजापाल से संदेश दिया है कि हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं, परंतु उनकी एक शर्त है, आपको उनको मिलने के लिए नगरी से बाहर जहाँ वो रुके हुए हैं, उनका पड़ाव है, वहाँ तक आपको पहुँचना है, लेकिन शर्त है नंगे पैरों चलकर के आना होगा, रथ पर बैठ कर के नहीं आना है। दूसरी बात, सामान्य वस्त्रों में आएंगे और कंधे पर कुल्हाड़ी डाल करके फिर आपको आना है, अन्यथा आपकी और उनकी मुलाकात रणभूमि में होगी।
राजा प्रजापाल ये सुनते ही गुस्से में आ गया और कहा कि दूत जाकर के अपने राजा से कह देना मैं रणभूमि में उनका इंतजार कर रहा हूँ। तब मंत्री ने कहा राजन थोड़ा ठहरी है, जरा शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए, मैंने पता लगवाया है जो भी राजा आया है उसके पास जो सैन्य है हमारे सैन्य से शत गुणा अधिक सैन्य है, इसलिए जैसा कहा है वैसे जाने में कोई हरकत नहीं है, नाहक में इतना नरसंहार क्यों, इसलिए जैसा कहा है वैसा आप पहुंच जाए तो इसमें ही सभी का भला है। तब मंत्री की बात राजा के समझ में आ गई और राजा जैसे कहा था वैसे ही बिल्कुल सिंपल लिबास में कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर के नंगे पैरों चलकर के वहाँ पहुँचे हैं। सामने देखा तो कौन थे, श्रीपाल थे। श्रीपाल ने स्वयं चलकर के राजा का स्वागत किया है और अपने तंबू में लेकर के आए हैं। और तब मैना सुंदरी ने बताया, पिताजी देखिए जिस कोढ़ी के साथ आपने मेरा विवाह किया था आज वो राजा नहीं राज राजेश्वर बन चुके हैं, इसलिए मैंने कहा था कि संसार में सबसे बलवान कर्म होता है। यह देखकर कि ये सारा ठाटबाट देखकर कि राजा प्रजापाल भी प्रसन्न हो गए, आंख में आंसू आ गए हैं और मैना से कह रहे हैं मैना मुझे माफ कर दो, आज तूने मुझे दिव्य दृष्टि का दान दिया है, तूने मुझे दिव्य दृष्टि का दान दिया है, आज मैं भी स्वीकार करता हूँ कि संसार में कर्म से बलवान और कर्म से बड़ा और कोई नहीं होता है। तब श्रीपाल कहते हैं कि राजन ये तो सब गुरु कृपा का और उनके आशीर्वाद का सुफल है, नौपत का प्रभाव है और शुभ पुण्योदय का प्रभाव है कि ये सारा सब कुछ परिवर्तन हुआ है, ये चमत्कार जो घटित हुआ ये सब गुरु कृपा और नौपत के प्रभाव से हुआ है। आइए इस वातावरण को और भी रंगीन और संगीन बनाने के लिए, खुशनुमा वातावरण बनाने के लिए एक सुंदर सा नाट्य हो जाए, एक नृत्य और संगीत हो जाए। राज्यसभा में बड़े शाही ठाटबाट के साथ सभी पहुँचे हैं और राज्यसभा में आने के बाद श्रीपाल ने एक सुंदर सा नृत्य दिखाने के लिए बब्बरकोट से जो उनको नाटक में नाटक मंडली दहेज में मिली थी उनको बुलाया है और कहा कि इस वातावरण को और भी सुंदर बनाने के लिए आप सुंदर सा संगीत और नृत्य पेश कीजिए। सारी नाटक मंडली तो पहुंच गई परंतु प्रमुख नटनी जो थी उसने आने से इनकार कर दिया। श्रीपाल ने पूछा कि क्या बात है, रोज तो हमेशा इतना मनोरंजन करती है, आज क्या हुआ। तब उसने बहाना बना दिया कि मेरे सिर में कुछ दर्द है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तब श्रीपाल ने कहा आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, इतने दिन ठीक है लेकिन आज तो महत्वपूर्ण दिवस है, इसलिए आज तो तुम्हें सुंदर सा नृत्य दिखाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती से उसे राज्यसभा के अंदर लाया गया है। तब वह एक दोहा सुनाती है, कहाँ मालव कहाँ शंखपुरी कहाँ बबर कहाँ नट, सुर सुंदरी नटवी बनी देवकियान घट, हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम। यह नटनी यानी और कोई नहीं थी, सुर सुंदरी थी। उसके मुंह से जब ये सुना तो सभी को बड़ा आश्चर्य लगा। तब सुर सुंदरी मैना सुंदरी से कहती है कि लव मैरिज का परिणाम क्या है, वो बताती है, मैना मुझे आज वह दिन याद आता है जब हम दोनों पढ़कर के कलाचार्य के पास से पढ़कर के इसी राज्यसभा में आई थी और पिता ने हम दोनों को प्रश्न पूछा था कि संसार में बड़ा और बलवान कौन है, और मैंने कहा था पिताजी आप हो, और मेरे जवाब से खुश होकर के पिताजी ने मुझे वरदान दे दिया कि तुम अपने मनपसंद राजकुमार के साथ राजा या राजकुमार के साथ विवाह करो, और तूने जवाब दिया था मैना कि कर्म बलवान है, तुम्हारे जवाब से नाखुश होकर के पिता ने कोढ़ी के साथ तेरा विवाह कर दिया। मैं खुश थी कि मुझे अपने मनपसंद राजकुमार के साथ मेरा विवाह हुआ है,
विवाह होने के पश्चात हमारी बारात यहाँ से रवाना हुई और शंखपुर जाने के लिए हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन मुहूर्त अच्छा नहीं था इसलिए रात भर नगरी के बाहर ही रुकना पड़ा। दूसरे दिन सुबह शुभ मुहूर्त में हमारा प्रवेश होने वाला था, लेकिन रात को चोरों का आक्रमण हो गया, भयंकर आक्रमण हुआ और उसमें तो मेरे पति जान बचा करके बच निकले और मैं चोरों के चंगुल में फंस गई। सुरसुंदरी कहती हैं, मैं चोरों के चंगुल में फंस गई, उन्होंने एक सार्थवाह को मुझे बेचा, सार्थवाह ने मुझे नेपाल देश में ले जाकर के एक वेश्या को बेच दिया, उस वेश्या ने मुझे नटकला सिखाई और बब्बरकोट के राजा महाकाल उनके सामने जब एक बार यह नृत्य कला मैं प्रदर्शित कर रही थी, मेरी नृत्य कला से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है वेश्या से मुझे मांग लिया और जब उनकी पुत्री का विवाह श्रीपाल के साथ हुआ तब दहेज में हमारी नाटक मंडली दी गई थी। तब से लेकर आज तक मैं श्रीपाल का मनोरंजन करती आई हूँ, लेकिन आज अपने ही माता पिता के सामने इस प्रकार नृत्य दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आने से इनकार कर रही थी मैना। आज मैं मानती हूँ कि संसार में सबसे बलवान यदि कोई है तो कर्म है। ये सुनकर के सबकी आंखें गीली हो गई कि दोनों सगी बहनें, लेकिन भविष्य कैसा, दोनों का भविष्य कैसा रहा है। तब मैना सुंदरी ने श्रीपाल से कहा, नाथ आपने इतने दिनों से मेरी बहन को नचाया, यह अच्छा नहीं किया आपने, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तब श्रीपाल ने कहा, मैना मैंने जानबूझ करके तो नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि ये मेरी साली है, अगर पता रहता तो ऐसा हरगिज नहीं करता, ना ही मुझे पता था कि ये मेरी साली है और ना ही इसको पता था कि मैं इसका बहनोई हूँ, अनजाने में ये सब हुआ है, परंतु जो भी हो आज मैं इन्हें इन सारी नाटक मंडली को मुक्त करता हूँ और शंखपुर से अरिदमन को जो है राजा अरिदमन को उन्होंने ससम्मान बुलवाया है और बड़े प्रेम के साथ सुरसुंदरी को भी उनको सौंप दिया है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने रूप का इसका अहंकार नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति का रूप का ज्ञान का किसी का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुरसुंदरी को बड़ा अहंकार था और उसी अहंकार का परिणाम आज देखिए कि क्या स्थिति बन गई। इसलिए कहते हैं, रिमनवा काहे गुमान करी, रिमनवा काहे गुमान करी, ये धन यौवन स्थिर नहीं रहते क्यों अभिमान करे, रिमनवा काहे गुमान करी। वहाँ बैठे वाले सभी लोगों के दिल से एक ही आवाज़ निकली कि संसार में सबसे बड़ा बलवान यदि कोई है तो कर्म है, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अरिदमन राजा अरिदमन और सुरसुंदरी ने भी कर्म की लीला को समझ करके नौपत के प्रभाव को जानकर के उसके प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हुए दोनों जो है अपने दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं। जैसे ही श्रीपाल उज्जैनी में पधारी यह जानने के बाद जो 700 कोड़ी थे जो स्वस्थ हो चुके थे अपने अपने गांव चले गए थे, उनको पता चला तो वे 700 के 700 श्रीपाल से मिलने के लिए उज्जैनी आते हैं। उनको देखकर के श्रीपाल ने उनके प्रति भी हार्दिक जो है प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनको सभी को राणा पद दिया है। अब देखिए श्रीपाल की चर्चा चारों तरफ हो चुकी थी और इस कहानी का सबसे मेन पार्ट जो था, कौन था मेन पार्ट बता पाएंगे आप, कि जिसके बिना ये कहानी का जन्म नहीं होता, वो थे चंपा के मंत्री मती सागर। अगर उस समय मंत्री मती सागर जो है महारानी कमल प्रभा को आगाह नहीं करते कि श्रीपाल को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए महारानी आप अभी इनको लेकर के निकल जाइए, अगर ये सूचना नहीं देते तो इस कहानी का जन्म ही नहीं होता था। इसलिए इस कहानी का सबसे मेन पार्ट यदि कोई है तो मंत्री मती सागर है। मंत्री मती सागर को जैसे ही पता चला श्रीपाल उज्जैनी पधारे हैं, वह मिलने के लिए श्रीपाल को मिलने के लिए राज्यसभा में आते हैं। जैसे ही मंत्री मती सागर राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, श्रीपाल उठकर के स्वयं चलकर के उनका स्वागत करते हैं, उनको आसन पर बिठाते और उनके चरण स्पर्श करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, आज श्रीपाल सामान्य नहीं, इतने देशों के राजा हैं, परंतु फिर भी पुराने जो मंत्री हैं उपकारी हैं, पुराने भी बात नहीं परंतु उपकारी हैं, ऐसे उपकारी के उपकारों को हमेशा याद रखना चाहिए।
उपकारी के उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारे समय में जिन्होंने हमें सहयोग दिया है ऐसे व्यक्ति को तो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ऐसी श्रीपाल जो है उनके चरण स्पर्श करते हैं। एक घटना याद आती है कि उपकार क्या होते हैं। एक ट्रक ड्राइवर, दिवाली के दिन थे और दिवाली के दिन वो ठंडी बाजरी की रोटी और छाछ खाता है। बाकी के नौकर थे तो नौकर आकर के पूछते हैं, मालिक आप हम सबको तो मिठाइयाँ बांटते हो, इतने अच्छे अच्छे बॉक्स भर भर के देते हो और आप स्वयं बाजरी की रोटी और छाछ खाते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है ये, आप ऐसा क्यों खाते हो, हर साल देखते हैं हर साल आप दिवाली पे यही खाते हो। तब आंख में आंसू भर करके वो ट्रक ड्राइवर कहता है, आज भले ही मैं 70 ट्रकों का मालिक हूँ, आज भले ही सत्य बनी हुई घटना है, आज भले ही मैं 70 ट्रकों का मालिक हूँ, लेकिन एक दिन था मेरे नसीब में, इन्हीं दिवाली के दिनों में बाजरी की रोटी और ठंडी छाछ थी, इसलिए मैं हर दिवाली को बाजरी की रोटी और छाछ ही खाता हूँ ताकि मैं उन दिनों को भूल ना पाऊँ, मैं उन दिनों को भूल ना पाऊँ इसलिए मैं खाता हूँ। तुम्हें भले ही मैं मिठाइयाँ बांटता हूँ लेकिन मैं ये खाता हूँ ताकि मुझे अपने अमीरी का घमंड ना आ जाए, अपनी अमीरी का घमंड ना आ जाए, इसलिए मैं गरीबी के दिनों को याद रख करके, गरीबी क्या होती है मैंने गुजारी हुई है, अनुभव किया हुआ है, इसलिए मैं गरीबों की सेवा कर पाऊँ, इसलिए हर दिवाली को जो है बाजरी की रोटी और छाछ खाता हूँ। देखिए कितनी उच्च विचारधारा है, वरना क्या होता है आज, अरे थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो आदमी फूल जाता है, उसके जैसा अमीर कौन है, इस प्रकार घमंड उसको आ जाता है। परंतु याद रखिए दुख के दिनों से हम भी गुजरे हुए हैं, इसलिए दुख में तो भगवान का स्मरण करते सुख में भूल जाते हैं, इसीलिए तो बताया है, दुख में तो सुमिरन सब ही करी, जो सुख में करी सारे दुख ही तरी, सुमिरन से अंतर कमल है खिले, कमल जो खिला फिर खिला ही रहेगा, तू सुमिरन करे तू सुमिरन करे। मंत्री मतिसागर ने जो है श्रीपाल के पास आकर के श्रीपाल से कहा, श्री राजन आप राज नहीं राज राजेश्वर बन चुके हो, लेकिन जब तक आप अपने अधिकार का राज्य नहीं लेते हो तब तक सारा अधूरा है, इसलिए अब समय आ चुका है कि आप चंपा का राज्य लीजिए। तब श्रीपाल ने जो है एक चतुर्मुख नाम के दूत को भेजा है कि जाकर के मेरे चाचा राजा वीर दमन को ये संदेश देना, लेकिन याद रहे इस संदेश में धमकी भी हो लेकिन अपनत्व भरे शब्दों का प्रयोग भी हो, उनका अपमान हो ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना, परंतु धमकी भी साथ में होनी चाहिए। इस प्रकार अत्यंत चतुर ऐसे चतुर्मुख दूत जो है चंपा नगरी पहुंचता है। राजा वीरदमन के राजसभा में जाकर के वह संदेश सुनाता है कि हे राजन आपके भतीजे यानी श्रीपाल को आपने पढ़ने के लिए कलाचार्य के पास भेजा था, अब वो पढ़ लिख करके तैयार हो चुके हैं, इसलिए अब आप ये राज्य उनको प्रेम से सौंप दीजिए, क्योंकि कहते हैं जीर्ण वस्त्र ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, नया वस्त्र धारण करना ही पड़ता है। संकेत देखिए कैसे दिया है, जीर्ण वस्त्र ज्यादा दिन टिकता नहीं है, नया वस्त्र धारण करना ही पड़ता है, इसलिए अब आप प्रेम से श्रीपाल को ये राज्य उनका ही राज्य है उनको सौंप दीजिए, क्योंकि श्रीपाल सशक्त है, बलवान है और समर्थ है, सामर्थ्यशाली है, जैसे चंद्रमा के पूनम के चंद्रमा के सामने तारे निष्प्रभ हो जाते हैं वैसे ही उनके सामने भी आप टिक नहीं पाएंगे, इसलिए ये राज्य उनको सौंप दीजिए। दूत की बात को सुनकर के वीर दमन को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के कहते हैं हे दूत जाकर के श्रीपाल से कह देना बातों से राज्य नहीं मिलता है, बातें करने से राज्य नहीं मिलता है, युद्ध से राज्य मिलता है, जिसकी खड़ग उसी की भूमि होगी, उसको कह देना रणभूमि में मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। दूत ने आकर के ये सारे समाचार दे दिए हैं। शुभ मुहूर्त देख कर के श्रीपाल ने सैन्य लेकर के चंपा नगरी पहुँच गए हैं और घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। आखिर
श्रीपाल का सैन्य जो है वीर दमन के सैन्य से बहुत ज़्यादा था और नौपत का रक्षा कवच जिसके पास है, नौपत की कृपा जिसको मिल चुकी है, उसकी विजय तो निश्चित ही होने वाली है। वीर दमन को वो जो 700 राणा थे उन्होंने पकड़ कर के बांध लिया है और श्रीपाल के सामने लेकर के आए हैं। जैसे ही सामने अपने चाचा को देखा, श्रीपाल ने स्वयं आकर के अपने हाथों से उनको बंधन मुक्त किया है और प्रणाम किया है। देखिए, कहते हैं दुश्मन है सामने, इतनी भयानक दुश्मनी जिनकी रही कि बचपन से उसके खून के प्यासे थे, ऐसे चाचा वीर दमन को भी जो है प्रणाम किया है श्रीपाल ने। तो कहते हैं प्यार का सामना वार से होता है, नाव का सामना मझधार से होता है। हाथ चूम लो चाटा मारने वाले का, हाथ चूम लो चाटा मारने वाले का, तो नफरत के बदले में भी प्यार होता है। श्रीपाल ने जो इज्जत दी है, जो सम्मान दिया है अपने चाचा को, तो चाचा वीर दमन के भीतर में जो श्रीपाल के प्रति एक नफरत थी, वह नफरत के बदले प्रेम की ज्योति जागृत हो चुकी है। और वीर दमन सोच रहे हैं, नाहक में मैंने इतना नरसंहार किया, अगर दूत की बात को आदर दे देता तो आज ये इतनी हिंसा नहीं होती थी। पश्चाताप करने लगे हैं, वहीं पर कहाँ खड़े हैं, रणभूमि में खड़े हैं, लेकिन वहीं पर पश्चाताप कर रहे हैं। और पश्चाताप करते करते उनको वहाँ पर जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। राजा वीर दमन को जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसमें जो है अपने सारे पिछले भव देख रहे हैं, कर्म का यह नाटक देख रहे हैं। वहीं पर उनको वैराग्य की ज्योति जागृत हो जाती है और वीर दमन सब कुछ श्रीपाल को सौंप करके स्वयं दीक्षा ले लेते हैं। श्रीपाल का राज तिलक होता है और श्रीपाल के जैसे ही चंपा के राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, श्रीपाल के सुदृढ़ हाथों ने पूरी चंपा का काया पलट कर दिया है। सबसे पहले तो श्रीपाल ने सारे कैदियों को बंधन मुक्त किया है। जो कर्जदार थे उन कर्जदारों का भी कर्जा पूरा राज्य की ओर से चुका करके सबको ऋणमुक्त किया है। धवल सेठ का जो पुत्र था विमल, उसको कौशाम्बी से यहाँ बुला करके उसको प्रधानमंत्री का पद दिया है और जो तीन सुमत मित्र थे उनको भी प्रधान पद दिया है। मंत्री के रूप में मती सागर तो है ही, लेकिन नए मंत्री की भी योजना यहाँ पर की है। जगह जगह जो हिंसा हो रही थी उस हिंसा को बंद करवाया है, दानशालाएं प्याऊ आदि खुलवाए। इस प्रकार श्रीपाल ने जो है पूरी चंपा नगरी को बदल दिया है। इधर जो है मुनि वीर दमन अपने संयम और तप की यात्रा को निर्वाह करते करते एक दिन उनको जो है अवधि ज्ञान अवधि दर्शन की प्राप्ति होती है और ग्रामानुग्राम विचरण करते करते मुनि वीर दमन चंपा नगरी पधारते हैं। जैसे ही श्रीपाल को पता चला कि मेरे चाचा मुनि वीर दमन पधारे हैं, वह अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और अपने पूरी अंतपुर के साथ में सारी प्रजा के साथ में मुनि भगवान के दर्शन वंदन एवं देशना श्रवण करने के लिए पहुँचते हैं। देशना श्रवण करने के पश्चात मुनि वीर दमन से श्रीपाल पूछते हैं, भगवान मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने कष्ट आए, कभी तो मैं कोढ़ी बना, कभी तो मुझे समुन्दर में फेंका गया, कभी तो मैं भांड ठहराया गया, सूली तक पहुंचाया गया, ये सब किस कर्म की वजह से हुआ? ऐसे मैंने पूर्व जन्म में क्या पाप कर्म किए थे, मैंने क्या किया था जिसकी वजह से आज मुझे ये सारा भोगना पड़ा है? भगवान कृपा, इसका क्या परिणाम है, इसका कारण क्या है, इसको फरमाने की कृपा कीजिए। तब मुनि वीर दमन ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते हुए पूर्व जन्म की घटना बताते हुए कहा कि हे श्रीपाल, इसी भरत क्षेत्र के अंदर हिरणपुर नाम का नगर था जहाँ पर श्रीकांत नाम का राजा राज्य करता था और उस श्रीकांत राजा को आखेट का व्यसन था, यानी शिकार का व्यसन था। उसकी रानी जो थी वो जैन धर्म को मानने वाली थी, वो बार बार उसे समझाती थी कि आप निरपराध प्राणियों को क्यों हिंसा करते हो, क्यों मारते हो, उन बिचारों ने मूक प्राणियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उनको इस प्रकार शिकार करते हो, आप ये मत कीजिए। परंतु राजा मानता नहीं था और एक बार जो है 700 पुरुषों को सैनिकों को लेकर के जंगल में शिकार के लिए गया और जैसे ही जंगल में उसने एंट्री की, सामने एक मुनि उधर से आ रहे थे। मुनि को देख करके उस राजा ने कहा, अरे आज तो पहले एक कोढ़ी आ गया है,
पहले ही इसने अपशकुन कर दिया, आज तो शायद ही शिकार मिलेगा। और 700 पुरुषों को कहा जरा इसकी खातिरदारी कर दो, इसने आकर के अपशकुन कर दिया है। 700 पुरुषों ने मिलकर के मुनि जो साधु भगवंत थे उनको खूब मारा पीटा है, लेकिन मुनि तो क्षमा के भंडार थे, उन्होंने माफ कर दिया और निकल गए हैं वहां से। दूसरी बार दूसरे दिन फिर से शिकार के लिए जंगल में पहुंचे हैं, वहां पर देखा तो घूमते घूमते देखा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे। राजा को पता नहीं क्या मजाक सूझी, उठाकर के ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए मुनि को उठा करके नदी में डाल दिया। कुछ देर के बाद फिर से दया आई तो निकाल करके वापिस रखा और राजमहल में आने के बाद रानी से कहते आज तो बहुत मजा आया, एक साधु बाबा को मैंने नदी में डाल दिया था। वह रानी समझाती है आप ऐसा क्यों करते हो, क्या मिलता है आपको, अरे कितने अशुभ पाप कर्म मानते हो, ये पता नहीं कहाँ भोगने पड़ेंगे, बहुत समझाती है। तब कहता है कि ठीक है अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन फिर से एक बार जो है गवाक्ष में राजा बैठा हुआ था और नगर की शोभा देख रहा था, एक मुनि गोचरी के लिए जा रहे थे। अब मुनि जा रहे थे गोचरी के लिए जा रहे थे, परंतु पता नहीं मुनि को देख करके क्या भाव जागृत हो जाते थे, सैनिकों को कहा जाकर के इस मुनि को सूली पर चढ़ा दो। जैसे ही रानी को पता चला, रानी दौड़ती हुई आई और समझाती राजन क्या करते हो, इसने इन्होंने क्या अपराध किया है आपका जो आप सूली पर चढ़ा रहे हो, ऐसा मत कीजिए, समझाया बहुत समझाया। तब राजन ने कहा कि ठीक है गलती हो गई अब नहीं करूँगा। मुनि भगवान को श्रद्धापूर्वक राजमहल में लेकर के आती है, आहार बहराती है और कहती है कि भगवान इनके कुकृत्यों का परिणाम तो इनको भोगना पड़ेगा, परंतु ऐसा कोई उपचार है कोई उपाय है तो बताइए ताकि इनके इन पापों का कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इनके पाप कम हो जाए। तब मुनि भगवंत ने नौपत की आराधना का विधि उन रानी को समझाई। तब राजा उसकी आठों रानियां और सारे 700 पुरुषों ने मिलकर के नौपत की ओली आयंबिल ओली करके उसकी आराधना की है। इस प्रकार हे श्रीपाल राजा, वो श्रीकांत राजा जो था वो तुम हो, वो तुम हो, तुमने मुनि की निंदा की, अवहेलना की, कोढ़ी कहा, मजाक में भी गाली दे देते हैं, पर याद रखना ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये कहानी आपको पता है, लेकिन चिंतन कीजिए कि कहीं हम मजाक में भी चलते चलते अरे मूर्ख है पागल है कितनी बार बोल देते हैं। लेकिन कर्म का कंप्यूटर तो हमेशा 24 घंटे ऑन रहता है, जितनी बार बोलेंगे वहाँ पर फीड हो जाता है और समय आने पर अपना परिणाम देता है। तो मात्र उसने मजाक में कोढ़ी बोला था, लेकिन उसको कोढ़ रोग का शिकार होना पड़ा। मुनि को नदी में डाला उसने, इसलिए इसको समुन्द्र में फेंका गया। मुनि की निंदा की, अवहेलना की, गालियां दी, इसके लिए उसको भांड ठहराया गया, शूली तक पहुंचाया गया। ये सब किसका परिणाम है? कर्म का परिणाम है राजन। इस प्रकार तुमने जो भी ये सारे कार्य किए उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ा है, परंतु हर बार तुम बचे हो तो मात्र नौपत के प्रभाव से बचे। नौपत की आराधना तुमने पूर्व में भी की और अभी भी तुमने आराधना की, उस आराधना की वजह से तुम हर संकट से बाहर निकले, हर संकट से तुम बच पाए हैं, ये मात्र नौपत के प्रभाव से। तुम्हारा एक पड़ोसी राजा था, सिंह राजा था, उसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी, तुमने उस राजा के ऊपर आक्रमण किया था और वह सिंह राजा ही मैं हूँ। जो तुम्हारा पूर्व भव में पड़ोसी राजा था वह सिंह राजा ही मैं हूँ और मैंने भी तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करके बदला लिया है श्रीपाल। बस ये कर्म की रंग भूमि पर हम सारे कर्म के जैसे नाटक नाच नचाते हैं, कर्म नाच नचाते हैं, वैसे सबको नाचना पड़ता है। इसलिए बस जितना भी हो उतना सावधानी पूर्वक जीवन जियो। अब जो भी हो चुका है, लेकिन आगे की जिंदगी, आगे के जन्म, हमारे जन्म मरण की परंपरा को हमें सीमित करना है, खत्म करना है, तो इसलिए बस सावधानी के साथ जीवन जिए कि कहीं हमारे मन वचन काया के द्वारा इस प्रकार के अशुभ और असातावेदनीय के कर्म का बंद ना हो, ताकि हमारा भविष्य बिगड़ जाए। ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है, हमें बहुत ही सावधानी के साथ जीवन जीना है।
अपने पूर्व भव का वृत्तांत सुन करके श्रीपाल जो है विचाराधीन हो गए और कहते हैं मुनि भगवान से कहते हैं, भगवान आपकी बात अक्षरशः सत्य है, हंसते हंसते कर्म बांध लेते हैं लेकिन रोते रोते भोगने पड़ते हैं। कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। भगवान मैं दीक्षा तो नहीं ले सकता परंतु श्रावक जीवन के 12 व्रत की आराधना मैं कर सकता हूँ। तब मुनि भगवान ने कहा कि श्रीपाल वैसे भी तुम्हारे अभी तक भोगावली कर्म बाकी है इसलिए तुम दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन श्रावक जीवन की आराधना करके तुम सीमित संसारी बन सकते हो, अपने जन्म मरण की परंपरा को सीमित कर सकते हो। तब श्रीपाल ने अपना भविष्य पूछा कि भगवान मेरा भविष्य क्या है, यहाँ से मर करके आयु पूर्ण करके मैं कहाँ पर जाऊँगा, कहाँ उत्पन्न होऊंगा। तब भविष्य का पर्दा खोलते हुए मुनि भगवान कहते हैं कि श्रीपाल श्रावक जीवन की आराधना करके तुम यहाँ से नवे देवलोक में उत्पन्न होंगे, वहाँ से नवे देवलोक की आयु पूर्ण करके फिर से मनुष्य बनोगे, मनुष्य से फिर देव, देव से फिर मनुष्य, इस प्रकार करते करते श्रावक धर्म आराध नव पद को नव में कल्प में जासी नर सुर सुख अनुक्रमे भोगी नव में भव शिव पासी हो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश्वरी नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश्वरी नव पद प्रेम से। हे श्रीपाल यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके तुम नवे देवलोक में उत्पन्न होंगे, वहाँ से पुनः मनुष्य फिर से देव मनुष्य, इस प्रकार करते करते नवे भव में तुम केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। इस प्रकार ये भविष्य कथन सुनकर के श्रीपाल हर्षित हो गए हैं और 12 व्रत को स्वीकार करके जो है अपने राज्य में पहुंच चुके हैं। कालांतर में जो है मैना सुंदरी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है जिसका नाम त्रिभुवन पाल रखा है। सारी रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया और समय होने पर पुत्र जब युवा हो गए तब श्रीपाल ने त्रिभुवन पाल का राज तिलक करके उसको चंपा नगरी का राजा राज सिंहासन पर उसको सिंहासन रूढ़ किया है और स्वयं जो है पूर्णतः श्रावक जीवन का परिपालन करने के लिए सारे राज्य कार्य से मुक्त होकर के मात्र श्रावक जीवन की आराधना करते हुए जैसे मुनि भगवान ने भविष्य बताया उसी प्रकार नवे देवलोक में जाकर के उत्पन्न होते हैं और अगले नवे भव में मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। ऐसे श्रीपाल इस कथानक को सुनकर के मात्र इतनी बात याद रखना कि बस जितना हो सावधानी के साथ हम जीवन जिए, कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। मजाक में भी अगर किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो हमें भोगना पड़ता है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ जीवन जीना है और उसके साथ में धर्म की आराधना नौपत की आराधना हम करते रहे, नौपत को हृदय में स्थापित कर दे, ऐसा स्थापित कर दे कि हर क्षण हर पल हर श्वास के साथ मात्र नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम का ही जप निरंतर इस जीवा से होता रहे, हृदय से होता रहे, क्योंकि कहा है दिनकर के बिना धरती पर प्रकाश नहीं होता, दिनकर के बिना धरती पर प्रकाश नहीं होता, जलधर के बिना खेती का विकास नहीं होता। साधु हो या श्रावक हो, साधु हो या श्रावक हो, तप जप व्रत नियम के बिना पापों का विनाश नहीं हो सकता, पापों का विनाश नहीं हो सकता। तो ऐसे आइए ऐसे नौपद की महिमा सुनकर के हम भी अपने नौपद की भक्ति अपने एक एक रोम में अणु अणु में हम बसा दे, और कुछ याद नहीं आए, बस चलते उठते फिरते हर समय नवकार मंत्र ही हमारा स्मरणीय बन जाए,